भारत ने अपने इतिहास में कभी भी एग्रेसर की भूमिका में नहीं रहा और न ही ऐसा कभी होगा, यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया की जमीन से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कड़ी चेतावनी दे डाली है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेगा। दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने सियोल डिफेंस डायलॉग को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराया। डिफेंस डिप्लोमेसी भारत के स्ट्रेटेजिक टूल किट का एक की पिलर है। वास्तव में डिफेंस डिप्लोमेसी और मजबूत सुरक्षा बलों को बनाए रखना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत ने अपने इतिहास में कभी भी एग्रेसर की भूमिका में नहीं रहा और न ही ऐसा कभी होगा, यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। राजनाथ ने वैश्विक मंच से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देशों से अपील की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एक साथ आने की वकालत की। सियोल डिफेंस डायलॉग में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर दबाव बनाया जाना चाहिए। भारत ग्लोबल लेवल पर यूएन और अन्य इंटरनेशनल फोरम्स के साथ साथ बाइलेटरल और रीजनल फोरम पर भी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हेतु काफी सक्रिय है। हम कलेक्टिव एक्शन के माध्यम से ही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और उनके नेटवर्क्स को ध्वस्त करने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले की पहचान करने और उनकी जांच करने में सक्षम होंगे। टेररिस्ट की सहायता करने और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने वालों तथा उनको सह देने वालों के खिलाफ भी हम कड़े कदम उठाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की पड़ोसी पहले की नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों को तरजीह दी जा रही है। इसका मकसद भारत के आसपास के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा और सुरक्षा समेत द्विपक्षीय हितों के संबंधों को नया आयाम देने आए रक्षा मंत्री ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। राजनाथ ने कोरियाई प्रधानमंत्री ली नाक योन के साथ आपसी मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे पहले राजनाथ ने सियोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय स्मारक पर कोरियाई शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।